उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उस 28 राज्य में एक हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है। अब देखो, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और जो हमारा भारत है, पूरे भारत का जो एरिया है उसका 7% के आसपास क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश है। मतलब पूरे भारत को अगर 100 रुपया माना जाए तो 7 रुपया के आसपास क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब देखो सवाल कहां से आता है। जब परीक्षा में जाओगे, अभी तैयार करना शुरू कर दो, सवाल कहां से आएगा? सबसे उत्तर में कौन है जिला है, सबसे दक्षिण में कौन, पूर्व में कौन है, पश्चिम में। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिला है। अब देखो इन 75 जिलों में जो सबसे ऊपर है वो है सहारनपुर। कौन सा है? कौन है? याद करो, जगह नोटिस करो, यही काम आएगा। सबसे दक्षिण में कौन है? सोनभद्र। सबसे पश्चिम में कौन है? शामली। और सबसे पूर्व में कौन है? बलिया। देखो ये जो निकला हुआ है बलिया है, ठीक है, ये याद हो गया। अब देखो पूछेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, कितने कितने पूछेगा हमारे उत्तर प्रदेश में कितने कितने मंडल हैं? 18। कितने मंडल हैं? 18। कितने मंडल हैं? 18। अब बताओ तुम्हारे मंडल का क्या नाम है? तुम्हारा मंडल, तुम्हारा जो जिला है, ठीक है, वो किस मंडल में पड़ता है? किस मंडल पड़ता है? गोरखपुर। किस पड़ता है? अब उस मंडल में कितने जिले हैं? तो 4 जिले। देखो मैंने इसे गोला बना दिया है। हमारा जो मंडल है वो गोरखपुर मंडल में पड़ता है और इसमें 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। ये भी तैयार हो गया। अब देखो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर से दक्षिण में 240 किलोमीटर, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम में 650 किलोमीटर का एरिया क्या फैला हुआ है। ये भी याद हो गया। आइए, तुमको तो याद ही होगा राज्य का जो पक्षी कौन है? सारस है। राज्य का वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राज्य का पुष्प कौन सा है? पलाश है। और राज्य का खेल कौन सा है? वो हॉकी है, ठीक है। अब देखो और इसमें कौन सा पूछेगा? हाँ, एक पूछेगा कि हमारे जो 75 जिले हैं उन जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर देखो कहां पे है, ठीक है। फिर पूछेगा हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे छोटा जिला कौन है? कौन जिला हो जाएगा? हापुड़। क्या हो जाएगा? हापुड़। देखो यहां पे है महाराजगंज, हम लोग यहां पे है, हापुड़ यहां पे है, लखीमपुर खीरी यहां पे। फिर पूछेगा हमारे उत्तर प्रदेश का जो क्या कहते हैं राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ कहां पे है? यहाँ सेंटर में क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में है। और मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि लखनऊ के अगल बगल जो जिला है वो पूरा क्या कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि लखनऊ के आसपास के जिलों को बताइए। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। अब देखो फिर सवाल आएगा कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा जिला है वो किस प्रदेश को छूता है? तो मध्य प्रदेश। कितना है? 11 जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं। अब ऐसे जो अगल बगल पूरे जिले हैं सबको याद कर लो। उत्तराखंड 7 जिले, हिमाचल प्रदेश 1 जिला, हरियाणा 6 जिले, दिल्ली 3 जिले। अब देखो राजस्थान, दो। वेरी गुड, मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़, एक। झारखंड, एक। बिहार, सात। और नेपाल से तो पक्का पूछता है, नेपाल से 7 जिले छूते हैं। अब कौन कौन से जिले छूते हैं ये आप लोग का होमवर्क है, लिख के लेके आइएगा। नेपाल से 7 जिले, आपका पड़ोसी देश है ना, हमारा महाराजगंज भी क्या करता है? नेपाल को छूता है। तो नेपाल से 7 जिले क्या करते हैं? छूने का काम करते हैं। और कुछ जीके आप लोग के लायक? हाँ ये देखो, ये क्या होता है परीक्षा में तो ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन याद कर लो, मैंने आपको बताया था ये जो परी रेखाएं होती हैं इसे बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? तो 23:52 से लेकर 30:28 तक, 23:52 से लेकर 30:28 तक क्या है आपका? अक्षांश है, इसके बीच में फैला हुआ है। और 70:03 से 84:39 तक जो देशांतर है उसमें क्या हुआ है? इसके बीच में हमारा उत्तर प्रदेश क्या हुआ? फैला हुआ, ठीक है। ये आपके क्लास के लायक नॉर्मल जीके है, नॉर्मल जानकारी है। इसके बाद भी अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे से जीके हैं जिनको आपको याद करना चाहिए, लेकिन आपका जो क्लास है मान लीजिए 6, 7, 8, मान लीजिए आप लोग इसमें पढ़ते हैं आप लोग, तो इस क्लास के लायक, इतने क्लास के लायक इतना जो जीके है क्या है वो पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश के बारे में इतना आपको जानना जरूरी है। एक बार और रिविजन, कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? कितने मंडल हैं? 18। अपना जिला किस मंडल में है? सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन है? सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे पश्चिम में कौन है?
सबसे पूरब में कौन है? उत्तर नेपाल से कितने जिले लगते हैं? मध्य प्रदेश कितने लगते हैं? सबसे ज्यादा जिले जो है किस से लगते हैं? मतलब यही सब है, और ये सब तो आप लोग याद कर लीजिएगा। राज्य है, वृक्ष है, पुष्प है, खेल है, ये सब तो आपको याद होना ही होना चाहिए। तो इतना जीके एकदम मुंह पे होना चाहिए, मुंह जवानी होना चाहिए, कोई पूछे तो पटपट पटपट एकदम रोता टट्टू की तरह से बोलते हैं, ठीक है, वैसे क्या होना चाहिए? होना चाहिए। और बेटा लोकेशन नक्शा बना के लोकेशन को क्या करना देखना बहुत ही जरूरी है। हम बोल रहे हैं कि सहारनपुर कहाँ है, तो समझ अरे सहारनपुर एकदम ऊपर है, ठीक है, लखीमपुर खीरी अरे इधर है, ठीक है, महाराजगंज कहाँ है तो इधर है। आंख में एकदम फोटो बनना चाहिए, आंख बंद हो जाए तो नक्शे का पूरा फोटो बनना चाहिए, और वो जिला कहाँ है वो आपको याद होना चाहिए। समझ में इतना याद हो जाएगा? कल इतना मैं पूछूंगा, इतना जीके आप लिख लीजिए, पूरा रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार के कल तो संडे है, कल छुट्टी है, जब आप लोग आएंगे क्या कहते हैं हाँ मंडे को, तो याद है इतना जीके आपको याद होना चाहिए। याद हो जाएगा ना? यस सर। चलो बढ़िया, लिखिए।